हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स थी, उसके बावजूद वो बेंटेन की ओमनीट्रिक्स के पीछे क्यों पड़ा रहता था। तो गाइस, आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो गाइस, आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम इससे रिलेटिव कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे कि हमारा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि गाइस, एल्बिडो की फर्स्ट अपेयरेंस हमें देखने को मिली थी बेंटन एलियन फोर्स में, जहाँ पे वो बेंटन का डुप्लीकेट बन के आता है और उसके पास हाथ में अपनी ओमनीट्रिक्स भी होती है। उसके बावजूद वो बेंटन की ओमनीट्रिक्स छीनना चाहता होता है। उसके बाद हमें एल्बिडो की अपेयरेंस देखने को मिली थी बेंटन अल्टीमेट एलियंस के अंदर, जहाँ पे वो बेंटन की ओमनीट्रिक्स को फिर से छीनना चाहता है, हालांकि उसके पास उस टाइम अल्टीमेट्रिक्स भी थी। तो गाइस, आप लोगों बता दूं कि जो एल्बिडो अपनी रियल बॉडी यानी कि गैल्वन वाली बॉडी वापस से पाना चाहता था, वो बेंटन के रूप के अंदर फंस चुका था, जिसके कारण कि उसे ओमनीट्रिक्स की जरूरत थी ताकि वो अपना गैल्वन वाला रूप वापस से पा सके। तो गाइस, यही रीज़न था एल्बिडो का कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी पाना चाहता था ताकि वो गैल्वन वापस से बन सके। और गाइस, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एल्बिडो के पास अपनी ओमनीट्रिक्स थी, उससे वो गैल्वन बन सकता था, तो उसने उस ओमनीट्रिक्स का यूज़ क्यों नहीं किया। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि एल्बिडो के पास जो ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स थी वो बेंटन के डीएनए से जुड़ी हुई थी, और बेंटन की जो ओमनीट्रिक्स थी उसके डीएनए से जुड़ी हुई थी, यानी कि बेंटन की ओमनीट्रिक्स के अंदर जो भी एलियंस अनलॉक थे वही एल्बिडो की ओमनीट्रिक्स के अंदर भी अनलॉक होंगे। और गाइस, एजमत ने बेन टेनिसन को जब भी ओमनीट्रिक्स दिया तो उससे पहले 10 का मैन्युअली दिया है। जैसे बेंटन क्लासिक के अंदर उसे स्टार्टिंग में 10 एलियन मिले थे, और वैसे ही एलियन फोर्स के अंदर भी स्टार्टिंग में उसे 10 एलियन ही मिले थे। और आप लोगों को बता दूं कि जो एल्बिडो ने ओमनीट्रिक्स बनाई थी वो बेंटन की ओमनीट्रिक्स की कॉपी थी, तो बेंटन की ओमनीट्रिक्स के अंदर जितने एलियन अनलॉक थे यानी कि 10 के मैनुअल के हिसाब से, वैसे ही एल्बिडो के ओमनीट्रिक्स के अंदर भी 10 के मैनुअल के हिसाब से अनलॉक हुए थे एलियंस। इसीलिए गाइस, एल्बिडो बेंटन की ओमनीट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ था ताकि उसकी ओमनीट्रिक्स छीन के उसके अंदर गैल्वन का जो रूप है वो अपने लिए यूज़ कर सके, जिससे कि गाइस एल्बिडो बेंटन के रूप से आज़ाद हो सकता था और अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी कि गैल्वन वाली बॉडी पा सकता था। तो गाइस, यही रीज़न था कि एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीट्रिक्स होने के बावजूद वो बेंटन की ओमनीट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ था। और गाइस, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता कि एल्बिडो बेंटन के रूम में कैसे फंस गया, तो उसके लिए मैंने अलग से अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारी औसम वीडियो देखने को मिलेगी। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो से पहले ही मैंने काफ़ी सारी ऑसम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।